देखिए 2022-23 के लिए कॉटन उत्पादन का नया अनुमान सीआई ने जारी कर दिया। हालांकि पुराने अनुमान में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। 2022-23 के लिए 344 लाख गांठ कॉटन उत्पादन का अनुमान है, लेकिन सीआई की तरफ से कहा गया है कि इस बार यील्ड बेहतर है और उत्पादन हो सकता है कि इससे बेहतर ही रहे। 350 से 360 लाख गांठ भी उत्पादन हो सकता है, लेकिन खपत, हालांकि उनको लग रहा है कि डिमांड इस बार कमजोर रहने की संभावना है। 300 लाख गांठ डिमांड इस साल 2022-23 में रह सकती है। लेकिन एक खबर यह भी आ रही है, जो किसान है वो अपना माल अभी नहीं निकाल रहा है, इस वजह से आवक कमजोर है। अक्टूबर के महीने में हमने देखा था कि करीब करीब 18 लाख गांठ की आवक हुई थी। नवंबर में भी आवक उस तरह से रफ्तार में नहीं है, क्योंकि किसानों को लगता है कि भाव आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस साल 2022 में जिस तरह के ऊंचे भाव उन्होंने देखे थे उस उम्मीद में उन्होंने स्टॉक को रोक रखा है, और यही वजह है कि सप्लाई अभी कम दिख रही है। लेकिन जिस तरह से खपत कम रहने की संभावना है, उसे लग रहा है कि आने वाले समय में कॉटन की कीमतों पर दबाव ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद इस साल कॉटन में नहीं की जा रही है।